और अब रुख करते हैं धन बाजार का, जहां पर शेयर बाजार से लेकर कारोबार जगत की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा असर आपकी जेब पर होता है, आपकी आमदनी से इसका मतलब होता है। तो बिना देर किए हुए तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें, छूट ना जाए, लिए चलते हैं आपको धन बाजार। गुरुवार 2 फरवरी को भारतीय शेयर मार्केट में ट्रेडिंग का मिला जुला असर रहा। 30 शेयरों वाला बीएसई बेंचमार्क सेंसेक्स 224.16 अंक चढ़कर 59,932.24 पर बंद हुआ। हालांकि निफ्टी में मामूली गिरावट देखने को मिली, निफ्टी 5.9 अंक गिरकर 17,610 पर बंद हुआ। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अनुसार गुरुवार को राजधानी दिल्ली में सोने का भाव 770 रुपए रिकॉर्ड हाई रहा। सोने का प्रति 10 ग्राम दाम 58,680 रुपए दर्ज हुआ। वहीं चांदी के भाव में 1,491 रुपए का इजाफा देखने को मिला। इसके साथ ही 1 किलो चांदी की कीमत 71,666 रुपए दर्ज की गई। जहां हर रोज अडानी के शेयरों में गिरावट दर्ज की जा रही है, तो अब इस मामले में रिजर्व बैंक ने भी अलर्ट मोड पर काम करना शुरू कर दिया है। आरबीआई ने देश के दूसरे बैंकों से अडानी ग्रुप से जुड़ी एक जानकारी मांगी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो केंद्रीय बैंक ने सभी बैंकों को आदेश दिया है कि वो अडानी ग्रुप को दिए जाने वाले कर्ज का ब्यौरा पेश करें, यानी सभी बैंक ये बताएं कि उन्होंने अडानी ग्रुप को कितना कर्ज दिया है। बेरोजगारी दर के मोर्चे पर सरकार को काफी राहत मिली है। जनवरी महीने में देश में बेरोजगारी दर में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। गैर सरकारी संस्था सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी के जनवरी 2023 के आंकड़े बताते हैं कि इस महीने में बेरोजगारी दर 7.14% रही। इससे पहले दिसंबर 2022 में बेरोजगारी दर 8.3% पर थी।